और न्यायालय के काम में न्यायालय के जो लोग हैं न्यायाधीश उनकी भूमिका है। हम लोगों का टिकट टिप्पणी करने से तो कोई अर्थ है नहीं। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास तो हुआ लोकसभा और राज्यसभा से दोनों, लेकिन इसका अनुपालन कब होगा इसकी स्पष्टता नहीं। 5 साल में लागू होगा, 10 साल में लागू होगा या 15 साल में लागू होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 17 के खिलाफ लैंड फॉर जॉब्स मामले में समन जारी हो चुका है। वहीं इस पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान सामने आया। साथ ही बता दें कि अशोक चौधरी ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। देखिए इस रिपोर्ट में। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास तो हुआ लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से, लेकिन इसका अनुपालन कब होगा इसकी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसको पहले हम जनगणना कराएंगे। अब 2011 का जो जनगणना था उसको इन लोगों ने टेबल नहीं किया। जो समय पर पिछले बार 2 साल पहले जो जनगणना होना था वो जनगणना नहीं कराया गया, तो भविष्य में जब जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद ये महिला बिल को लागू कराया जाएगा, तो ये इतना ना हेतु मद्भूत में है, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है देश की जनता को कि ये महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है ये कब लागू होगा। 5 साल में लागू होगा, 10 साल में लागू होगा या 15 साल में लागू होगा, क्योंकि जब आपने जो जनगणना कराना था, जातीय जनसंख्या का जो गणना कराना था, जो कास्ट का पॉपुलेशन का कराना था, वो तो आपने पिछली बार समय पर किया नहीं, तो अगली बार भी आप समय पर कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा ये देश की जनता को संशय है इसमें। और उसके बाद फिर परिसीमन होगा, आपने जो पार्लियामेंट बनाया है उसकी संख्या को आपने बढ़ा दिया है, तो आप क्या करिएगा, पार्लियामेंट की संख्या को बढ़ाइएगा। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो देश की जनता को जिसका जवाब नहीं मिला है, इसीलिए ये महिला आरक्षण बिल भी 15 लाख रुपये जो खाते में जाएंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, महंगाई को कम करेंगे, उसी तरह से ये महिला आरक्षण बिल भी उसी तरह से नहीं हो जाए, इसीलिए देश की जनता को और हम लोगों पर इस पर संशय है। और हम लोगों के नेता ने तो जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को जमीन पर उतारने का काम किया, इसीलिए हम चाहते हैं कि जो मॉडल बिहार का, नीतीश कुमार का जो बिहार का मॉडल है, वो मॉडल को एक्सेप्ट करना चाहिए हूबहू और जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब बीजेपी जब नीतीश जी के साथ रहती है तो बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नीतीश जी के प्रशंसा में कसीदे करते हैं, और जब नीतीश जी से अलग हो जाते हैं तो कहते हैं कि नीतीश जी का कोई काम ही नहीं हो रहा। ये तो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा ना कि बीजेपी का ये जो दोहरा चरित्र है, नीतीश जी के साथ का चरित्र और नीतीश जी से अलग होने का चरित्र, इसको तो समझना पड़ेगा ना प्रदेश की जनता के ऊपर। सभी राजनीतिक दल ने अपने अपने तरह से उसको समर्थन दिया है समय समय पर, और कांग्रेस के समय में पहली बार राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हुआ, तो कहीं ना कहीं उसके पहले भी बहुत से लोग, जैसे माननीय नीतीश कुमार जब पहली बार पार्लियामेंट जो महिला आरक्षण बिल का पार्लियामेंट का जो मेंबर बनाए गए थे उसमें नीतीश कुमार जी थे, और उन्होंने मुखर रूप से इसको इसका अनुपालन करने का उन्होंने वकालत की थी, और यही कारण रहा कि जब प्रदेश के में उन्होंने मुख्यमंत्री का चार्ज लिया तो सबसे पहला बिहार प्रदेश बना जहां पंचायती राज व्यवस्था में जो राज्य को अधिकार था महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का, उसमें नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। न्यायालय का काम है और न्यायालय के काम में न्यायालय के जो लोग हैं न्यायाधीश उनकी भूमिका है, और जो पक्ष विपक्ष के वकील हैं उनकी भूमिका है, इसमें हम लोगों का टिकट टिप्पणी करने से तो कोई अर्थ है नहीं। देखिए नीति माननीय नेता बड़े भाई हैं और पिता की तरह उनका स्नेह मिला है, हम अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं कि इतना प्यार उन्होंने हमारे ऊपर दिखाने का काम किया पब्लिक में, इसलिए हम तो अपने आप को भाग्यशाली और सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा नेता जिसके जिसके जिस जिसका प्यार और स्नेह हमको मिला,
तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को, जिन्होंने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 17 लोगों के खिलाफ लैंड फोर जॉब्स मामले में जो समन जारी हुआ है उस पर उन्होंने कहा कि ये न्यायालय का मामला है और इस पर न्यायालय देखेगी, हम लोगों को सीधे तौर पर इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि महिला आरक्षण बिल पास तो हो गई है लेकिन इसका अनुपालन कब से होगा इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें Facebook पर देख पा रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।